लोग ये शहीद मंगल पांडे हॉल 16 नवंबर शाम को 6 बजे से 11 बजे का प्रोग्राम है। ये बलिया महोत्सव हम लोग ने पिछले साल भी किया था, ये दूसरा साल है। और ये पूरा एक भोजपुरी, मतलब यूपी हो, पूर्वांचल या बिहार का कुछ भाग इसमें मिलते हैं, जो 1 नवंबर को बलिया आज़ाद हुआ था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा के रहने वाले जितने भी कुछ लोग जो हैं भोजपुरी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हमारे समाज के सभी लोग एक संगठित हों, इकट्ठा हों। और इसमें इस बार हमारे चीफ गेस्ट पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उसके अलावा हमारे बलिया से राज्यसभा के सांसद नीरज शेखर जी हैं, हमारे बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, और यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी जैन सिंह सर हैं, AK शर्मा जी हैं, ADG KK ओझा सर हैं, विजय झा सर हैं, विपुल अग्रवाल सर हैं, और भी तमाम हमारे मतलब चीफ अधिकारी जो है ना, वो सब लोग यहाँ पे उस दिन आएंगे। संस्कृत प्रोग्राम ये एक हमारे अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का एक बढ़िया संयोजन है, ताकि सभी हमारे सारे लोग एक जगह एकत्रित हों। और संस्कृत कार्यक्रम में हमने बलिया से हमारे भोजपुरी गायक मदन राय जी हैं, ये वीरेंद्र भारती जी हैं, और लोक गायिका एक सुनीता पाठक जी हैं, जो उनको अवार्ड भी मिल चुका है, और मंच के संचालक विजय बहादुर जी हैं, जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग मतलब ये दूसरा साल है, और सारे मतलब पूरे एरिया के जितने भी हमारे भोजपुरी या अदर पर्सन हैं, वो सबको इकट्ठा करके हम लोग एक बढ़िया जो है ना संस्कृत प्रोग्राम करते हैं, जिससे हम सब लोगों को इकट्ठा होने का एक मौका मिलता है। मैसेज ये है कि सब हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, एक दूसरे से मिलने का एक वो मिलता है, और हमारी जो वहाँ का कल्चर है वो जीवित रहती है, जो हमारा बलिया की संस्कृति है वो भी आज भी हम लोग यहाँ पे उसको जीवित रखने का प्रयास करते हैं। बलिया महोत्सव एक तो हम बता देंगे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें बलिया के बारे में या पूर्वांचल के और बिहार के और उत्तर भारत के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, जिसमें चीफ गेस्ट में पुरुषोत्तम रूपाला साहब हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बलिया से कुछ हमारे चंद्रशेखर जी के लड़के आ रहे हैं, और वहाँ के लोकल MLA भी आ रहे हैं, और यहाँ के काफ़ी पॉलिटिकल सांसद और विधायक हैं, और तमाम ब्यूरोक्रेट से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ का मतलब है, और बड़े उत्साह के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संदेश तो हम लोग यही है कि हम लोग उत्तर भारत के जितने लोग हैं एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हों, एक समाज हमारा यूनाइटेड हो, और एक अच्छे माहौल में हम लोग मतलब सभी लोग रहें, एक दूसरे के मदद रूप में हो। नहीं, बलिया दिवस तो मतलब निकल गया, लेकिन हम लोग उसी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं कि बलिया भारत में एक साल पहले आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता इसमें, तो उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो आज बलिया महोत्सव मनाने जा रहे हैं 16 तारीख को, 16 नवंबर ये बलिया स्थापना दिवस है, और हमारे यहाँ तमाम यहाँ गुजरात अहमदाबाद शहर के अंदर तमाम बलिया के हमारे अलग अलग जाति से अलग अलग भाई हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और 16 तारीख को हम लोग कम से कम यहाँ पे अंदाजन 7 से 8 हज़ार पब्लिक आने की उम्मीद है, और यहाँ पे हमारे माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी आने वाले हैं, मुख्य अतिथि मेहमान हैं, और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें तमाम हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और हमारे यहाँ के जो है पूर्व विस्तार अहमदाबाद के जो है सांसद, पश्चिम विस्तार के डॉक्टर किरीट सोलंकी जी और तमाम पदाधिकारीगण आने वाले हैं, और हम लोग उनका सम्मान करके और अपने स्थापना दिवस का जो संदेश देना है वो हम लोग जो है देंगे। बलिया महोत्सव दरअसल पिछले साल से इसकी शुरुआत की गई थी, और हमारे जो आयोजक हैं बलिया महोत्सव के, जो प्रमुख हैं प्रेम प्रकाश जी, उन्होंने पिछले साल इसकी शुरुआत की और एक संदेश देने की कोशिश की कि बलिया एक्चुअली है क्या, बलिया का क्या योगदान रहा हमारी आज़ादी के लिए लेके, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और इसमें हमारे जो मुख्य मेहमान हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, फिर जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी है जैन सिंह साहब वो आने वाले हैं, और हमारे बलिया के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो लड़के हैं वो भी आने वाले हैं, काफ़ी लोग हैं, और भी जो हमारे यहाँ के लोकल सांसद हैं हसमुख पटेल जी, किरीट सोलंकी जी, वो भी आने वाले हैं। तो एक्चुअली ये है सांस्कृतिक कार्यक्रम इस, लेकिन क्योंकि मेहमान जो आते हैं तो मेहमान का स्वागत करना हमारा परंपरा है, तो उनका स्वागत विधि का एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, भोजन समारोह है, और बलिया की संस्कृति क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है, वो यहाँ के लोगों को पता चले उसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
बलिया दिवस क्या है वैसे तो 1 नवंबर को है, लेकिन उस टाइम में क्या है थोड़ा ये छठ का आयोजन हुआ तो इसकी वजह से सब छठ में जुड़े हुए थे, इसकी वजह से हम 16 नवंबर को लाए। और बलिया एक ऐसा एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक ये सब इस पर जुड़ा हुआ है। और बलिया यानी एक अपने नाम रखता है, जैसे कि इंडिया जब भी ये भारत आज़ाद हुआ बलिया एक ऐसी स्टेट है कि वो एक दिन पहले हुआ जिला बराबर, ये इसका महत्व है। गुजरात को इस तरह से संदेश देना चाहता है कि वहाँ से बलिया के या पूर्वांचल के इतने यहाँ पे है ना कि जब अलग अलग यहाँ पे तो एक जगह ये कार्यक्रम करने से धीरे धीरे जैसे कि गए साल ये दूसरा साल है यहाँ पे और इसको क्या सबको इकट्ठा करना इसके बारे में जानना, जैसे कि वहाँ से कितने ऐसे हैं कि जो 70 साल से बराबर 60 साल से आगे उनके बारे में कोई पता ही नहीं है बराबर, तो इस उद्देश्य देना चाहते हैं कि बलिया के विषय में पूरा इतिहास जानना चाहते हैं कि जितने भी बलिया है जो 5% भी नहीं जानते, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा बुला के यहाँ के भाई इतने लोग हैं, इस सब उद्देश्य देना चाहते हैं कि सब एकजुट रहे उस तरह।